हेलो फ्रेंड्स, स्मिताज इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल मटन करी, जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो मटन। और ये पीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसे हल्दी पाउडर और नमक डाल के रखा था, क्योंकि मुझे बनाने के लिए थोड़ा टाइम था तो ये लगा कि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो सबसे पहले अभी हम मटन को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो वो इन्ग्रीडियंट हम सबसे पहले देख लेंगे। तो हमने लिया है तेज पत्ता, जैसे दो तेज पत्ते हैं, आधा चम्मच शाही जीरा है, आधा चम्मच सौंफ है, आधा छोटा चम्मच जीरा है, 5 से 6 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 लाल मिर्ची ली है, 2 हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची है, 2-3 स्टिक है दालचीनी के, छोटे छोटे टुकड़े हमने यहाँ पे लिए हैं, और ये है आधा टीस्पून क्रश किया हुआ जायफल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे। ये सारा खड़ा मसाला हमें बॉईल करने के लिए लगेगा। और ये है एक बड़ा कटा हुआ प्याज और ये है एक बड़ा कटा हुआ टोमेटो। तो सबसे पहले अभी हम कर लेंगे मटन को बॉईल। मटन बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, और जो गांव स्टाइल में, जो देसी स्टाइल में मटन बनता है, उसमें मस्टर्ड ऑयल का, राई के, सरसों के तेल का उपयोग होता है। वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पर वो यूज़ नहीं किया है। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, उसके बाद सारे गर्म मसाले हमें उसमें डाल देने हैं, और उसी के बाद हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज और टोमेटो उसके साथ साथ हम डाल देंगे। प्याज और टोमेटो को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मसालों के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक भी हमें इसमें ऐड करना है, नमक और हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा कम यूज़ किया है क्योंकि मैंने मटन को पहले ही हल्दी पाउडर और नमक डाल के रखा था। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी पाउडर यूज़ कर लेना है। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मटन। इसे अच्छे से 2 मिनट तक भून लेना है और इसे कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है। लेकिन पकने के लिए हमें ये जो बर्तन है, उसकी जो थाली रहेगी, उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा, मतलब भाप से अंदर का मटन बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो आइए देख लेते हैं हम ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले मैंने लिया है सूखा खोबरा। ये जो एक कटोरी आती है नारियल की, उससे आधी कटोरी हमने यहाँ पे नारियल यूज़ किया है। मैंने इसे कट नहीं किया क्योंकि गांव में ये जो नारियल होता है और जो ये प्याज होते हैं, उसे चूल्हे में डाल के भूनते हैं। तो हम हल्का सा उसी स्टाइल का बनाएंगे, लेकिन इसे भूनेंगे हम गैस के ऊपर। और अभी हम लेंगे 10 से 15 कलियां लहसुन की, आधा से एक इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें, हरी मिर्चें ऑप्शनल है, और आधा कटोरी हमने लिया है धनिया। तो अभी हम इस तरीके से गैस के ऊपर ये जो नारियल है उसे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हमें इसे भून लेना है। नारियल हमारा भून चुका है और अभी हम सेम तरीके से भुनेंगे प्याज। इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, चूल्हे जैसा टेस्ट आएगा क्योंकि हम इसे इस तरीके से भून रहे हैं। थोड़ा प्याज भूनने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे करके आप इस प्रकार से इसे भून लीजिए। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, कड़वी लगेगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे से इसे भून लीजिए। तो देखिए हमारा प्याज भी बहुत बढ़िया से भून चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और धनिया पत्ती, उसका एक पेस्ट बना लेंगे। क्वांटिटी अगर आपके मसालों की कम है तो आपको जो सारे मसाले हैं एक साथ ही ग्राइंड कर लेने हैं। तो देखिए हमारा मसाला थोड़ा कम था, इसीलिए ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाया है। तो मैं इसमें अभी प्याज भी डाल दूंगी जो हमने भुना है, और हल्का सा प्याज हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा भुना था तो मैंने उसे निकाल लिया है। और जो अभी नारियल है उसके हम अभी टुकड़े कर लेंगे, और यही पॉट में हम सारा मसाला अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक महीन पेस्ट इसका बना लेते हैं। और अभी हम चलते हैं हमारी मटन की तरफ, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकने के लिए रख दिया था।
तो देखिए ये जो हमने बर्तन में पानी रखा था, थाली में पानी रखा था, वो गर्म हो चुका है, भाप निकल रही है। वैसे ही हमें ये पानी को, गर्म पानी को मटन के अंदर डाल देना है। तो देखिए पहले से ही मटन को पानी छूटा हुआ था, ऊपर से हमने भी पानी डाल दिया है। मटन पकने के लिए आधा घंटा तो कम से कम लगेगा, तो फिर से ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, इसे कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और थाली में इसी प्रकार से हम पानी डाल देंगे। दूसरी बार भी हमने थाली में पानी डाला था, तो फिर से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम ये थाली का पानी सब्जी में, मटन में डाल देंगे और इसे कवर करके फिर से 20 मिनट तक पका लेंगे। और इसके ऊपर मैंने एक भारी बर्तन रखा है क्योंकि भाप नहीं निकलनी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं मटन ग्रेवी बनाते हैं। मटन ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सब्जी वाला जो चम्मच होता है जिससे हम सब्जी सर्व करते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो बड़े 2 चम्मच से हमने ऑयल लिया है। अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो 1 चम्मच ऑयल में भी आपकी सब्जी बन जाएगी। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके बाद हम डाल देंगे सारे मसाले जिसका हमने पेस्ट बनाया था। मसालों को अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे। तो सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ऑयल में और उसे अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले मैंने लिया है 4 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इसे यूज़ करना है। और ये है हमारा 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ये बहुत ही टेस्टी है, हमने ये रेसिपी बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी। 2 चम्मच है धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून और स्वादानुसार नमक। और ये सारे मसालों को अभी हमें डाल देना है और इसे भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे भून लेना है। याद रखें मसाले जलने नहीं चाहिए, तो इसे कंटिन्यूस हमें चलाना है, चम्मच को चलाना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो मैं अभी इसको कवर करके फिर से 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देखिए मसाला लगा नहीं है, हमने इसे भाप पे हल्का सा पका लिया था, पानी नहीं डाला था। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे क्योंकि मसालों का अच्छे से पकना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो मिक्सर का हमने पानी, मिक्सर का जो बर्तन था उसमें ही हमने पानी लिया है और उसी मसाले का ही पानी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के इसको हम फिर से लो फ्लेम पे पका लेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका कवर निकाल लिया है। ऑयल जो था हमने डाला था मसालों को भूनने के लिए वो ऊपर छूटा है, इसका मतलब मसाला पक चुका है। अभी हम चलते हैं मटन की तरफ। मटन को भी हमने देख लिया है, ये अच्छे से पका हुआ मटन है। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और जो मसाले हमने कढ़ाई में बनाए थे वो सारे मसाले ये मटन में डाल देंगे। देखिए सारे मसालों को हमने अच्छे से इसमें डाल दिया है और अच्छे से हमें इसे मिक्स भी करना है और 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें इसे पका लेना है। क्योंकि अभी हमें ये बॉयल मटन के साथ ये मसालों को भी पकाना है और इसकी ग्रेवी भी हमें जितनी चाहिए उतनी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप गाढ़ा खाते हैं तो गाढ़ी ही रहने दीजिए, ये इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। और अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं ये कढ़ाई धो के फिर से इसमें पानी डालूंगी। नियर अबाउट मैंने ये ग्रेवी में 1 ग्लास पानी डाला है। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर इसका कलर आया है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और पका लेंगे। ये सब्जी में अभी हमने जितने भी मसाले यूज़ किए हैं उसके अलावा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो आप कसूरी मेथी का ये स्टेज पे उपयोग कर सकते हैं। तो अभी 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं ये सब्जी, ये जो मटन है वो पका लूँगी। तो मैंने इसे अभी कवर करके रख दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमने लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने छोड़ दिया था। अभी हम इसे चेक करेंगे, देखिए बहुत बढ़िया ये उबल रहा है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है।
तो अभी आपको इसमें कसूरी मेथी डालनी हो तो डाल सकते हैं। मैं इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें हरी धनिया पत्ती, क्योंकि हमारा जो मटन है वो पक चुका है, बन चुका है, हमारी रेसिपी बन चुकी है। और इसीलिए सबसे लास्ट मैं डालूँगी इसमें कटी हुई हरी धनिया पत्ती। तो देखिए कितने सुंदर हमारी देसी स्टाइल मटन बनके बिल्कुल रेडी है। इसकी ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मिताज़ इंडियन किचन।